सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल चर्चा हो रही थी कि वेद में जो वेद के मंत्रों के जो छंद हैं वो किसने बनाए, ईश्वर ने बनाए। ये भी अब आगे पूछ रहे हैं, ये यो मंत्र सूक्ता नाम ऋषि लिखितः तेनैव तद् रचितम् इति कुतो न स्यात्। मंत्रों के जो सूक्त हैं वेदों में, उन सूक्तों के साथ ऋषि का नाम भी लिखा हुआ है। जी, ये 12 नंबर पृष्ठ पर तेभ्य तप्तेभ्य त्रयो वेदा अजायंत। ऋग्वेदो यजुर्वेदो, ऋग्वेदो वायोः, यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। जी, तो यहाँ पर तीन वेदों का जिक्र किया है, चौथे का नहीं किया। क्या अथर्ववेद का मतलब बाद में आविर्भाव हुआ था या साथ में है? ये तो कहीं और का प्रसंग है। इन्होंने तो वेद मंत्र में तो वेद तो पहला ही जो प्रमाण दिया उसने तो चारों का ही नाम लिया ना। तस्मात यज्ञात सर्व होता है, ऋचय सामानी जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात यजु तस्मात अजायत। वेद ही प्रमाण है कि चारों वेद ही साथ ही उत्पन्न हुए। ये तो कहीं अन्यत्र का है, शतपथ ब्राह्मण का है। तो शतपथ ब्राह्मण के ऋषि की जो भी विवक्षा रही हो कहने की, या जो भी वहां प्रसंग चल रहा हो, तो वो पूरा आगे पीछे का पूरा प्रसंग पढ़ने से ही पता लगेगा। तो हम तो परम प्रमाण तो वेद को मानते हैं ना, तो पता नहीं उन्होंने किस प्रसंग में ये बात कही है। तेभ्य तप्तेभ्य ऐसे कहा ना, तो हो सकता है कि ऊपर तीन ऋषियों की कोई चर्चा चल रही हो, कोई ऐसा प्रसंग चल रहा हो, और उनके जीवन का वर्णन करते करते और ये कह दिया कि उनसे ये वेद भी उत्पन्न हुए। तो इस ऐसा कुछ वो पूरा पढ़ने से पता लगेगा। तेभ्य तप्तेभ्य उनकी तपस्या का जिक्र कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उन तीन व्यक्तियों के तप के बारे में कुछ वहां प्रसंग चल रहा हो, न कि वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा था, तो उसमें प्रवाह में उन्होंने ये भी कह दिया हो ऐसा। जी, अंगिरा स्थिर शाब्दिक अर्थ उसका स्थिर होता है। तो पृथ्वी को मानेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो ऐसे अग्नि हो, अग्नि देवता, वायव वायुदेव, वो आदित्य सूर्य देवता, तो स्थिर से कि पृथ्वी को लेंगे फिर? नहीं, अंगिरा को ही लेंगे। अंगिरा अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ है ना, और उसका अर्थ होता है स्थिरता। अंगिरस अंग अंग में रस भरने वाली शक्ति। तो हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति है जो खुद तो एक ऐसी शक्ति है, खुद तो स्थिर रहती है, पर जो हमने खाया पिया उस वो शक्ति उस सारे का वो बना करके सप्त धातु और प्रत्येक अंग को रस देती है, तो उस शक्ति को कहेंगे अंगिरस। सृष्टि में एक शक्ति ऐसी है जो प्रत्येक पेड़ पौधे में वनस्पति में उस उससे संबंधित रस को भर देती है। नींबू में खट्टे को भर देती है, गन्ने में मीठे को भर देती है, आम में खट्टे मीठे को भर देती है। तो कौन शक्ति है वो? वही शक्ति है अंगिरस, है ब्रह्म की शक्ति का नाम है। ठीक है। और जी दीदी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? ये हमारे जैसे पूछ रहे हैं हमारी जैसी मानसिकता जो है, महर्षि दयानंद खुद ही पूछ रहे हैं, खुद ही उठा रहे हैं प्रश्न, हमारे प्रश्नों को, हमारे प्रश्नों को। उनको पता था कि हमारे जैसे लोग
पढ़ेंगे इसको तो उनके मन में ये प्रश्न आएंगे, तो उस समय मैं रहूं ना रहूं तो उनके प्रश्नों का पहले ही निराकरण करके चला जाता हूं। तो एक शैली होती है लेखक की, वक्ता की, है ना। तो जैसे महाराज जी बोलते हैं तो वो नीचे बैठने वाले श्रोता क्या प्रश्न पूछ सकते हैं वो खुद ही उठा लेते हैं, फिर खुद ही उसका उत्तर देते हैं। तो कई बार बोलते हैं ना, वो लोग ऐसे पूछते हैं कि जी हम योग क्यों करें, योग से क्या होगा, तो ऐसा किसी ने पूछा थोड़ी है, पर किसी के मन में आ सकता है, तो उसके पूछने से पहले ही कह दिया कि मैं ये पूछता हूँ कि योग क्यों ना करें और योग से क्या नहीं होता है। तो पहले तो प्रश्न का मतलब शैली, क्योंकि शिष्य उन्हीं के ही है ना, तो वही शैली है। तो इन्होंने पूछा कि वेद को न बनाने में क्या प्रयोजन था ईश्वर का। इन्होंने पूछा ना, सृष्टि क्यों बनाई, वेद क्यों बनाई। बोल मैं आपसे पूछता हूँ कि बनाने में कोई प्रयोजन था या नहीं, न बनाने में क्या प्रयोजन हो सकता है। तो पहले तो उस ढंग से उत्तर देना, फिर उसके सारे लाभ बताना। तो महाराज जी भी ऐसे ही करते हैं, पहले ही कहेंगे कि ये बताओ कि योग न करने का क्या प्रयोजन है, योग से क्या नहीं होता है ये बताओ। फिर कहेंगे कि योग से बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, मोटापा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, फिर सारा बताएंगे ये ठीक होता है। पहले एक बार उनके ऊपर सोंटा घुमा के प्रश्न पूछने वालों के ऊपर, फिर बाद में सीधा सीधा वर्णन करते हैं। तो शैली होती है। और तो नहीं है किसी का कोई प्रश्न, चलो आगे। तो जो मंत्रों के सूक्त हैं, ऋचाओं का जो 8, 10, 15 अलग अलग ऋचाओं के जो ग्रुप हैं उसको सूक्त कहते हैं, मंत्रों के एक समूह को। तो उनके ऊपर ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि क्यों ना हम उन ऋषियों को ही उस सूक्त का रचयिता मान लें। यो मंत्र सूक्ता नाम ऋषि लिखितः तेनैव तद रचितम इति कुतो न स्यात्, उसी ऋषि के द्वारा ही वो रचा गया हो, ये क्यों नहीं हो सकता है। मैवम वादी ऐसा ना कहें। ब्रह्मादिरपि वेदानाम अध्ययनम श्रवणयो कृतत्वात्, क्योंकि ब्रह्मा आदि ने भी, माने जिसने ब्रह्मा आदि को भी उत्पन्न किया, ब्रह्मा आदि भी रपि वेदानाम अध्ययनम श्रवणयो कृतत्वात्, उन्होंने भी वेदों का अध्ययन और उसका श्रवण किया। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा ने भी वेदों को नहीं बनाया। ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जो ऋषि हैं उन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया। तो ब्रह्मा तो आदि ऋषि है ना, तो जब उन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया तो इसका मतलब वेद पहले ही थे, तो उन्होंने नहीं बनाए। ब्रह्मादि भी रपि वेदानाम अध्ययनम श्रवणयो कृतत्वात् यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति श्वेताश्वतर उपनिषदादि वचनस्य विद्यमानत्वात्। श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहती है, यो वै ब्रह्माणं विदधाति, जो ब्रह्मा को भी धारण करता है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या है, वहां पर ब्रह्मा ऋषि भी हुए हैं और ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी है। तो यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति, और सृष्टि के आदि में, पूर्वम माने सृष्टि के आदि में, पूर्वम यो वै सृष्टि के आदि में जिसने वेदांश्च प्रहिणोति वेदों को पढ़ा, तो ऐसे वहां पे वर्णन आता है। तो इसका मतलब है कि वेद उससे भी पहले हैं, आदि ऋषि से भी पहले के हैं। एवं यद ऋषिणाम उत्पत्ति रपि न आसीत तदा ब्रह्मादीनाम समीपे वेदानाम वर्तमानत्वात्। तो कह रहे हैं जब ऋषियों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी सृष्टि के आदि में, तदा तब ब्रह्मादीनाम समीपे ब्रह्मादियों के पास वेदानाम वर्तमानत्वात्, उनके पास वेदों का ज्ञान वर्तमान था। अग्नि वायु
रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम् ऋग यजु साम लक्षणम्। तो ये कहीं का उदाहरण दिया है इन्होंने, अलिख दिया। अध्यापयामास पितृन शिशु आंगिरस कवि इति, ये मनुस्मृति का ना, इति मनु साक्षत्वात् अग्न्यादीनाम सकाशात् ब्रह्मापि वेदानाम अध्ययनम चक्रे अन्येषां व्यासादीनाम तु का कथा। तो ये कहीं का उद्धरण दिया है उन्होंने, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम्। अग्नि वायु और सूर्य ये हैं जी, हैं सूर्य और आदित्य अलग अलग हैं क्या, एक ही है ना, तो रवि कोई सूर्य कहीं आदित्य कहीं की बात है। अग्नि वायु रविभ्य माने आदित्य, आदित्य से त्रयम् ब्रह्म सनातनम्, तीन सनातन ब्रह्म। दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम्, उन्होंने उनको, ब्रह्म का मतलब है यहाँ पर विद्याएं है ना, त्रैविद्या, अग्नि वायु आदित्य से जो तीन प्रकार की सनातन विद्या हैं, उनको यज्ञ की सिद्धि के लिए दुदोह दुहा, और वो तीन विद्याएं क्या हैं, ऋग यजु साम लक्षणम्, वो है ज्ञान कर्म उपासना। ऋग का मतलब ज्ञान, यजु का मतलब कर्म, साम का मतलब उपासना। तो ज्ञान कर्म उपासना ये तीन जो विद्याएं हैं, इन्हीं से यज्ञ की सिद्धि होती है। तो यज्ञ की सिद्धि के लिए उनको दुहा, क्योंकि यज्ञ जो करते हैं ना, तो उसमें कुछ उसकी दूध की आहुतियां दी जाती हैं, इसलिए यज्ञ में पशु को रखना अनिवार्य होता है, बकरी नहीं तो गाय। तो उसी समय ताजा ताजा उसका दूध दुह करके उसमें आहुति दी जाती है, जो शाम वाली आहुतियां हैं ना, अग्नि ज्योति ज्योति रग्नि वाली, तो उसका विधान है शतपथ ब्राह्मण में, वो दूध से ही दी जाती है। आप कहोगे दूध से तो अग्नि बुझ जाएगी, इतनी ज्यादा जोर से प्रचंड जलती है, कच्चा दूध डालते हैं ना, तो जैसे यहाँ आपने डाला तो वहां आकाश में जाएगी अग्नि, इतनी तेज उसकी लपट जाती, बहुत जोर से जलता है, तुरंत डालना है धारोषण, उधर से निकाला इधर डाला, थोड़ी देर उसको रख के फिर नहीं डालना। तो ये इन्होंने दुहा इस त्रय विद्या को, तो यज्ञ की सिद्धि किससे होती है, त्रय विद्या से। हमारा जो जीवन रूपी यज्ञ चल रहा है, ये पूर्ण आहुति को कब पहुंचेगा, सिद्ध कब होगा, जब हमारे जीवन में ज्ञान कर्म उपासना, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, ये अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा भी अशुद्ध ज्ञान ना हो, थोड़ा सा भी अशुद्ध कर्म ना हो, थोड़ा भी अशुद्ध उपासना में अशुद्धि ना आए, तब हमारा ये जो जीवन यज्ञ है ये पूर्ण आहुति को पहुंचता है। तो वो है पूर्ण आहुति, जो अंत में आहुति दी जाती है ना, इदं प्रजापतये इदं मम, मौन होकर के दी जाती है। तो जहाँ हमारी सारी प्रकृति, हमारा मन बुद्धि विचार भाव सब मौन हो गई, उसी में ही अंतर्लीन हो गई, प्रजापति में ही, और वो स्थिति तो मोक्ष की है, जब प्रकृति से नितांत हम अलग हो जाते हैं, वो क्या है, हमारे जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति, वो पूर्णाहुति है, उससे पहले यज्ञ चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। और उस यज्ञ को कम से कम चला के रखना चाहिए, उसकी अग्नि जलती रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे निषिद्ध पदार्थ डाल करके जीवन के यज्ञ को ही हम खंडित कर दें। और जो लगातार बिना खंडित किए 100 यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र के पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी आलंकारिक वर्णन है, 100 यज्ञ का मतलब है 100 वर्ष की आयु मानी गई है मनुष्य की, और 100 के 100 वर्षों को उसने कैसे जिया, यज्ञमय जिया,
कभी भी अपने जीवन को किसी एक वर्ष में भी खंडित नहीं होने दिया, वो इंद्र के पद को प्राप्त करता है, माने वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इंद्रियों का जो स्वामी है वो ही इंद्र है। अध्यापया मासे पितृन शिशु अंगिरस है कवि, तो कह रहे हैं इन्होंने, इन पिताओं ने ऊपर जो बताई, इन्होंने अपने शिशु अंगिरस को भी पढ़ाया। अध्यापया मास इति मनु साक्षत्वात्, तो ये मनु का, मनु की साक्षी होने के कारण। अग्न्यादि नाम सकाशात ब्रह्मापि, ये जो अग्नि आदि ऋषि हैं सृष्टि के आदि में, इनसे ब्रह्मा अपि वेदानाम अध्ययनम चक्रे, ब्रह्मा आदि जो ऋषि हुए उन्होंने भी उनसे अध्ययन किया। तो अन्य शाम व्यास आदि नाम तो का कथा, तो कोई कहे कि व्यास आदि ने वेद बनाए, तो बोलो वो तो बहुत बाद में हुए। तो ब्रह्मा जो आदि ऋषि हैं उन्होंने भी इनसे पढ़ा, तीन से। कथम वेद श्रुतिश्च द्वे नामनी ऋक् संहिता आदि नाम जाते इति, कह रहे वेद को वेद और श्रुति ये दो नाम क्यों कहे जाते हैं। श्रुति भी बोलते हैं ना, ऋग्वेद आदि जो संहिताएं हैं उनको श्रुति भी कहते हैं और वेद भी कहते हैं, तो दो नाम क्यों दिए उनके। अर्थवशात, अर्थ के कारण, कैसे विद ज्ञाने विद सत्तायाम विदलरी लाभे विद विचारणे, ये चार धातुएं हैं। पहली है विद ज्ञाने, दूसरी है विद सत्तायाम, तीसरी विदलरी लाभे और चौथी विद विचारणे। एतेभ्यो हलश्च इति सूत्रेण करणाधिकरण कारक योग है प्रत्यय कृते वेद शब्द साध्यते, तो इन चारों ही धातुओं से करण और अधिकरण कारक में घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द की उत्पत्ति होती है। करण में घय प्रत्यय करेंगे तब क्या अर्थ होगा, जिसके द्वारा ज्ञान होता है, जिसके द्वारा हमारी सत्ता है, जिसके द्वारा हमारा लाभ होता है और जिसके द्वारा ही हम विचार कर पाते हैं, वो है वेद। और अधिकरण में करेंगे तब अर्थ क्या होगा, जिसमें ज्ञान का भंडार है वो वेद है, और जिसमें सत्ता, सारी सत्ता उसी के अंदर है वो वेद है, और जिसमें लाभ की पराकाष्ठा है उसको जानना ही लाभ है वो वेद है, और जिसको पढ़ करके जिसमें हम विचार करते हैं वो वेद है। तो ऐसे अर्थ हो जाएंगे इनके, करण और अधिकरण कारक में। करण का अर्थ क्या होता है, के साथ के द्वारा, तो अर्थ ऐसे हो जाएंगे साधन। और अधिकरण का अर्थ क्या होता है, उसमें में पे पर, तो ऐसे अर्थ हो जाएंगे वेद शब्द के। और श्रुति में श्रु धातु है तथा श्रुश्रवणे इत्यस्मात् धातुः करणकारके तिन प्रत्यये कृते श्रुति शब्दो व्युत्पद्यते। श्रुति कैसे बनेगा, श्रु धातु से करणकारक में तिन प्रत्यय करने से श्रुति शब्द की उत्पत्ति होती है। तो अब उसका कर रहे हैं विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते विन्दन्ते विचारयन्ति सर्वे मनुष्यः सर्वः सत्य विद्या यैर, जिनके द्वारा, येषु वा या जिनमें, तथा विद्वांश्च भवन्ति और विद्वान भी हो जाते हैं, ते वेदाः, वो वेद हैं। तो जिससे सब जानते हैं, जिससे सब होते हैं, सत्ता है और जिसको सब प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं सब मनुष्य, और सब सत्य विद्याएं जिसके द्वारा हमें मिलती हैं या जिसमें मिलती हैं और जिनको पढ़ करके विद्वान होते हैं, वो क्या हैं, वेद। तथा आदि सृष्टिम आरभ्य अद्य पर्यंतम
ब्रह्मादि भी सर्वा सत्य विद्या श्रूयंते अनया सा श्रुति। श्रुति क्यों कहते हैं वेद को? आदि सृष्टि से लेकर के आज तक ब्रह्मादि भी सर्वा, ब्रह्मा से लेके जितने भी ऋषि हुए वो सब सत्य विद्या श्रूयंते अनया, सत्य विद्या का श्रवण करते हैं जिनके द्वारा, सा श्रुति जिसके द्वारा, एक वचन है अनया, जिसके द्वारा सत्य विद्या का श्रवण करते हैं उसको कहेंगे श्रुति। न कस्यचित इह धारिण सकाशात कदाचित कोपि वेदानां रचनं दृष्टवान। तो कह रहे हैं किसी देहधारी से कभी कोई वेद की उत्पत्ति हुई हो ऐसा कभी किसी के द्वारा नहीं देखा गया। किसी शरीरधारी ने कोई वेद बना दिया हो, लिख दिया हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया, क्योंकि ब्रह्मा आदि ने भी वेदों को पढ़ा, उससे पहले भी वेद थे, तो उससे पहले भी वेद थे, इसका मतलब किसी ने वेद को बनाते हुए किसी देहधारी व्यक्ति को नहीं देखा। न कश्चित देहधारी ने सकाशात कदाचित कोपि वेदानां रचनं दृष्टवान्, कुतः? निरवयव ईश्वरात तेषां प्रादुर्भावात्, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव किससे हुआ? निरवयव ईश्वर से। निरवयव ईश्वर से उनका प्रादुर्भाव, उनके उत्पत्ति होने के कारण किसी देहधारी को कभी वेद की रचना करते हुए नहीं देखा गया। अग्निवायु आदित्य अंगिरसस्तु निमित्ति भूता वेद प्रकाशार्थम ईश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्। कोई कहे कि उन्होंने बनाए ना अग्नि वायु आदित्य आदि ने, तो वो तो देहधारी ही तो थे, तो कह रहे नहीं, ये तो निमित्त बने उसका प्रकाशन करने में, उस ज्ञान का प्रकाश करने में ये निमित्त बने चार ऋषि। तो अग्नि वायु आदित्य अंगे रसस्तु निमित्ति भूता वेद प्रकाशार्थम ईश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान किसका है? ईश्वर का है। वो प्रेरणा उनके हृदय में किसने दी? ईश्वर ने ही दी। तेषां ज्ञानेन वेदानां अनुत्पत्तेः, तो वेदों की उत्पत्ति में उनका ज्ञान, तेषां ज्ञानेन उनके ज्ञान से वेदानां अनुत्पत्तेः, वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि वेदों का प्रकाश हुआ, माने उन वो पहले ज्ञानी हुए फिर उन्होंने वेद बनाए, ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान से वेद की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि अभिव्यक्ति हुई उनके माध्यम से, ईश्वर ने उनको निमित्त बनाया। वेदेषु शब्दार्थ संबंधाः परमेश्वराद एव प्रादुर्भूताः तस्य पूर्ण विद्यावत्वात्, विद्यावत्वात् परमेश्वर से ही वेद पैदा हुए और उत्पन्न हुए, और वेदेषु वेदों में जो शब्द और अर्थ का संबंध है, जैसे पहला शब्द है अग्निमीले, तो अग्नि एक शब्द है और उसके अर्थ क्या क्या हैं? अग्नि का मतलब अग्नि, अग्नि का मतलब राजा, अग्नि का मतलब आचार्य, अग्नि का मतलब ब्रह्म। तो जो ये शब्द और शब्द के अर्थ और इनका संबंध, वहां पर अर्थ क्या है? ब्रह्म। अग्नि के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं ना, लेकिन वहां ब्रह्म, वेद में अग्नि का अर्थ क्या है? ईश्वर। तो ये जो संबंध है वेदेषु शब्दार्थ संबंधा परमेश्वरादेव प्रादुर्भूता, तो वो संबंध भी ईश्वर से ही प्रकट हुए, उसी से उत्पन्न हुए। क्यों? तस्य पूर्ण विद्यावत्वाद, क्योंकि वो ही पूर्ण ज्ञानी है, तो वो ही बता सकता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। बाकी तो पता ही नहीं चलेगा ना किसी को, अभी तो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो अभी लोगों को क्या पता कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसने बनाया वो ही तो बता पाएगा ना कि इसको पर्वत कहते हैं, इसको अग्नि कहते हैं, इसको वायु कहते हैं। तो वायु किसी मनुष्य ने थोड़े ना बनाई है, जिसने बनाई उसी को तो पता है इसको क्या संज्ञा दी जाए और क्यों दी जाए ये संज्ञा। तो ये सारा ज्ञान किसके पास रहता है? बनाने वाले के पास, जिसने जो बनाया। अतः किम सिद्धम, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अग्नि वायु व्यंगिर व अंगिर मनुष्य देहधारी जीव द्वारेण परमेश्वरेण श्रुति
वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्। अग्नि वायु अंगिरा आदि जो हैं मनुष्य देहधारी उन जीवों के द्वारा जीव द्वारेण परमेश्वरेण उनको निमित्त बना करके परमेश्वर के द्वारा ही श्रुति वेदः श्रुति या वेद एक ही बात है प्रकाशीकृत इति बोध्यम् उनको प्रकाशित किया गया ऐसे जानना चाहिए। वेदानाम उत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि कह रहे हैं ये वेदों की उत्पत्ति हुए कितने वर्ष हो गए कब बनाएगी। अत्र उच्यते तो उसका उत्तर दे रहे हैं एको वृंद षण्णवति कोटि अष्टौ लक्षाणि द्विपंचाशत सहस्राणि नवशतानि षट सप्तत्यश्च एतावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि। तो ये उस समय जब महर्षि दयानंद ने लिखा तब की ये गणना है ना। सप्त सप्तति तमो अयम संवत्सरो वर्तते इति वेदितव्यम्। ये जो संवत्सर है ये सात मनमंत्र वाला है। सप्त सप्तति तम माने 77वां है ना। सप्त सप्तति तमो अयम संवत्सरो वर्तते इति वेदितव्यम्। ये 77वां संवत्सर चल रहा है ऐसा जानना चाहिए। उस समय की बात कह रहे हैं ये। एतावान एतावंती एव वर्षाणि वर्तमान कल्प सृष्टेश्च इति। इतने वर्ष इस सृष्टि वर्तमान सृष्टि के जानने चाहिए। कथम विज्ञायते ही एतावान इति वर्षाणि व्यतीतानि कैसे जाना कि इतने वर्ष बीत गए और इतने और हैं आगे कैसे पता लगा। अत्र आह अस्याम वर्तमानायाम सृष्टौ वैवस्वतस्य सप्तमस्य अस्य मन्वंतरस्य इदानीं वर्तमानत्वात् अस्मात् पूर्वं षण्णां मन्वंतराणां व्यतीतत्वाच्च इति। कह रहे हैं ये जो वर्तमान जो सृष्टि है इसमें अभी कौन सा मन्वंतर चल रहा है। वैवस्वत हम भी बोलते हैं ना वैवस्वत मन्वंतरी और ये मन्वंतर कौन सा है सातवां। सप्तमस्य अस्य मन्वंतरस्य इदानीं वर्तमानत्वात् इस समय सातवें मन्वंतर के वर्तमान होने से पूर्वम षण्णां मन्वंतराणां व्यतीतत्वाच्च इससे पहले छह मन्वंतर व्यतीत हो चुके हैं।